हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 3 नंबर के कान्हा जी की चोली है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाके इसे बना सकती हैं। और मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू की तरफ आ गई इस तरह से, और यहाँ से मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। इसी में हम एक बार और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, इस तरह से टाइट कर लेंगे। यहाँ पे 1, 2, 3 चैन, 3 चैन की हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। इसी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए। आगे वाली चैन के अंदर हम एक ही चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, इसी में एक बार और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, इसी चैन के अंदर हम एक बार और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम सभी चैन के अंदर दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ना राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घेरा के लास्ट में आ गई, और मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। यहीं पे अब फिर से 3 चैन, ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमारी 3 की चैन की डबल क्रोशिया और एक 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब तीसरी वाली में हम एक ही चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक सी चैन के अंदर हम एक बार और बनाएंगे, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, एक ये 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। तीसरी में हम 2 बार बनाएंगे, एक इसी में एक बार और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 2 के बाद तीसरी में 2 बार बनाएंगे, एक आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया, तीसरी वाली में हम 2 बार बनाएंगे, एक इसी में एक बार और बनाएंगे, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया, और मैंने यहाँ पे 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 2, 3 चैन, आगे वाली में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथी वाली में हम 2 बार बनाएंगे, एक इसी में एक बार और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक हमारी 3 की चैन की डबल क्रोशिया, एक ये और एक, 1, 2, 3 डबल क्रोशिया हो गई। और चौथी वाली में 2 बार बनाएंगे। फिर से आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, एक आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, 2 हो गई हमारी, 3 डबल क्रोशिया, चौथी में 2 बार बनाएंगे, एक इसी चैन के अंदर हम फिर से एक बार और बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम लास्ट में आ गए, और मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। मैंने 3 राउंड बनाए, 1, 2, 3, और यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 चैन हो गई। ऊपर से हम 1, 2 छोड़ेंगे, तीसरी वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, आगे वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। और यहाँ पे हम तीसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसी चैन के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे,
इस तरह से। और यहाँ पर एक चैन, एक दो तीन, चौथी वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक दो तीन चार पांच। अब यहाँ पर हम दो छोड़ेंगे, एक दो, तीसरी वाली में हम तीसरी चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, आगे वाली में एक सिंगल क्रोशिया, आगे वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने पांच चैन बनाई थी, दो चैन छोड़ के तीसरी में सिंगल क्रोशिया, चौथी में सिंगल क्रोशिया, पांचवी वाली में डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बनाई थी, इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चैन कुछ इस तरह से बन के आया। अब यहाँ पे हम एक दो तीन चौथी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारी इस तरह से बन गई। यहाँ पे पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन, ये तीन हो गई, एक ये दो, दो को छोड़ेंगे, तीसरी वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया, तीसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसी चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन, फिर से हम यहाँ पर एक दो तीन चौथी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आ रही है, इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर घेरा के लास्ट में आ गई, और यहाँ पर मैंने पांच चैन बना ली, ऊपर से हम दो चैन छोड़ेंगे, तीसरी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक आगे वाली में एक सिंगल क्रोशिया, आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे हम तीसरी वाली में, डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई थी, इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चैन, और यहाँ पे मेरी एक दो चैन बच रही है, इसी तरह से आप भी एडजस्ट कर लें। एक चैन बनाने के बाद यहाँ पे थ्री की चैन में यहाँ पे जो थ्री वाली चैन है इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, और एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे इस तरह से। डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई। और यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे, यहीं से अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पे हम एक दो तीन चार पांच छह चैन हो गई। और यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बनाई थी ये वाली, हम आगे की तरफ करेंगे, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। और यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बनाई थी ये वाली बी स्टिच है इस वाली, ये दोनों साइड से दो डबल क्रोशिया बनाई थी ये वाली। और इस पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम अंदर से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, ये पांच डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया हो गई। और हम इस तरह से घुमाएंगे इसे, और यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है ये वाली, अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक
चार और ये पांच डबल क्वेश्चन। कैसे पांच डबल क्वेश्चन होगा? अब यहाँ पे ये चैन बनाई थी, ये वहां पे छह चैन बनाई थी, अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच डबल क्रोशिया। ये पांच डबल क्रोशिया हो गई। एक, दो, तीन, चार चैन, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर से हम दो फंदे इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसी में एक, एक डबल क्रोशिया, दो, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया और ये पांच डबल क्रोशिया इस तरह से। और यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया है। अब यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पे ये इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये छह। फिर से हम यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है, इस वाली में हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, उसे आगे की तरफ निकालेंगे। ये वाले पहले इस पर बनाएंगे पांच डबल क्रोशिया, फिर इसमें बनाएंगे पांच डबल क्रोशिया। और पहली बार इसे हम एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच डबल क्रोशिया हुए। इस तरह से हम इसे घुमाएंगे। और यहाँ पे ये एक डबल क्रोशिया बनाई थी ये वाली, इसमें हम एक, दो, तीन, चार और ये पांच डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया हो गई। अब इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पे छह चैन बनाई थी, अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे चार चैन और यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर से दो फंदे उठाएंगे हम इस तरह से। और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से इसी चैन के अंदर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच डबल क्रोशिया हो गए। और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह चैन बनाने के बाद यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बनाई थी, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, इसे अंदर की तरफ निकालेंगे।
और यहाँ पे ये दो डबल क्रोशिया है। पहले इस वाली में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस वाली में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे चैन बनाई थी इसमें 5 डबल क्रोशिया, फिर 4 चैन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से पल्स बनाएंगे, फिर इसमें ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से कुछ इस तरह से डिजाइन बनेगा हमारा। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बनती है। आइए अब हम घेरा के लास्ट में पहुंच गए। और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया के अंदर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई थी दूसरी वाली, यहाँ पे इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इसी इस तरह से। अब यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे ये वाली डबल क्रोशिया है, ये वाली, इसके अंदर हम इससे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 6 चैन बनाई थी, यहाँ पर इसमें अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चैन, डबल क्रोशिया के ऊपर से हम 2 फंदे उठाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसी चैन के अंदर, यहाँ पर 6 चैन बनाई थी, इसी के अंदर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी, यहाँ पर इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। और यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बनाई थी, ये वाली डबल क्रोशिया है, इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से, और 1 चैन बनाकर इसे काट लेंगे। इसे हम पीछे की तरफ सेट कर लेंगे। कुछ डिजाइन हमारे इस तरह से बन के तैयार हो गई। वाले मेरे पास स्टोन है, इसे लगा लूंगी यहाँ पर इस तरह से। फैब्रिक ग्लू से मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर स्टोन लगा लिया और यहाँ पे भी लगा लिए। आप बिना स्टोन के भी इसे रख सकती हैं। मेरी वीडियो और मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।